लॉकडाउन 4 में 1 जून से 200 रेलगाड़ी चलना शुरू होगी। टिकट बुकिंग के लिए रेलवे ने सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का आरक्षण कार्यालय खोल दिए हैं, लेकिन रेड जोन होने के कारण इंदौर से कोई ट्रेन अभी नहीं चलेगी। कोरोना वायरस की गंभीरता के कारण देश में रेल का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। रेलवे ने अब 1 जून से 200 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने की तैयारी की है। यह रेलगाड़ियां पूरे भारतवर्ष में चलेगी। जो लोग इंटरनेट से टिकट नहीं ले सकते हैं, उनके लिए शुक्रवार 22 मई से आरक्षण कार्यालय खोल दिए गए हैं। टिकट के लिए इंदौर आरक्षण कार्यालय को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोलने के निर्देश हैं। रेलवे PRO जितेंद्र जयंत ने बताया कि जो भी व्यक्ति टिकट लेना चाहता है वह यहां से टिकट प्राप्त कर सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि रेड जोन में होने के कारण इंदौर से फिलहाल कोई ट्रेन नहीं चलेगी। की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय रेलवे पर सभी रेलवे का संचालन बंद किया गया था, हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय द्वारा 1 जून से 200 विशेष गाड़ियों का संचालन के लिए प्लान किया है और ये गाड़ियां पूरे भारतवर्ष में चलेंगी। उसके लिए क्योंकि हर ट्रेन के अंदर सभी क्लास मौजूद हैं, उसके तहत कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट से टिकट नहीं ले सकता है उसके तहत वो अब रेलवे आरक्षण कार्यालय से भी टिकट ले पाएगा। तो आज से सभी आरक्षण कार्यालयों को खोल दिया गया है। तो इंदौर स्टेशन के आरक्षण कार्यालय को आज प्रातः 10 बजे से शाम को 5 बजे तक के लिए खोला गया है और इसके साथ में जो भी टिकट लेना चाहते हैं ट्रेनों का उससे ले सकते हैं। साथ में जो 200 गाड़ियों में इंदौर से अभी कोई गाड़ी का प्लान नहीं किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस इंदौर में बहुत ज़्यादा तादाद में है। जनसंख्या को देखते हुए यहाँ पे इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत जल्दी भविष्य में इंदौर से भी कोई गाड़ियों का संचालन होगा तो ये सुविधा उनको भी प्राप्त हो पाएगी। फिलहाल जितने भी आरक्षण कार्यालय हैं उनको आज से खोला गया है यात्री सुविधा के तहत। जितेंद्र कुमार जयंत, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेलवे, इंदौर।